गाइस वेलकम टू माय चैनल ब्यूटीफाई पीजे। सो गाइस आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि सर्दियों में आप अपनी ड्राई स्किन का ख्याल कैसे रख सकते हैं। दोस्तों सर्दियां बस शुरू हो गई है और हर किसी की स्किन सर्दियों में ड्राई हो जाती है, रूखी हो जाती है। तो आज मैं आपको ऐसे 2 स्टेप बताऊंगी जिससे आपकी स्किन एकदम सॉफ्ट हो जाएगी, एकदम स्मूथ हो जाएगी। और दोस्तों आज की जो वीडियो है वो गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए है और अगर आप कोई भी एज में हो तो आप इसे इजिली यूज कर सकते हो, क्योंकि मैंने इसमें जो भी चीजें इस्तेमाल की है वो एकदम नेचुरल है और इससे आपके चेहरे में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। ये काफी ज्यादा फायदेमंद है आपके लिए, तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करिएगा, क्योंकि इससे आपकी जो चेहरे की डेड स्किन है वो रिमूव हो जाएगी और आपके चेहरे में जो ड्राईनेस है वो एकदम खत्म हो जाएगी। इससे आपकी स्किन एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो में मूव ऑन करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्दी पहुंच जाए। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि 2 स्टेप कौन कौन से है। सो गाइस सबसे पहले आप अपना फेस वॉश कर लीजिए। मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है। इसके बाद मैं यहाँ ले रही हूँ बोरुलिन। दोस्तों बोरुलिन जो है वो हमारे फेस के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये हमारी स्किन को काफ़ी हद तक मॉइस्चराइज कर देगा। तो मैंने यहाँ बोरुलिन ले लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच शुगर यानी कि चीनी। इससे हमारे चेहरे में जो भी डेड स्किन होगी वो रिमूव हो जाएगी। तो आपको इन दोनों को मिक्स करके इसका एक स्क्रब तैयार कर लेना है और अपने चेहरे पर अच्छे से स्क्रब कर लेना है। तो मैं यहाँ अपने चेहरे पर अच्छे से स्क्रब कर ले रही हूँ। आपको हल्के हाथों से अपने चेहरे पर स्क्रब करना है। आप चाहे तो आप शुगर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर पाउडर से आपके चेहरे पर स्क्रब और ज़्यादा अच्छे से होगा। तो मैं यहाँ पूरे चेहरे पर अपने हल्के हाथों से स्क्रब कर लूँगी। इससे आपके चेहरे के ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स भी अच्छे से रिमूव हो जाएंगे। आप चाहे तो आप स्क्रब करने के लिए पानी, मिल्क या रोज वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपको लगभग 10 से 15 मिनट अपने चेहरे पे स्क्रब कर लेना है। उसके बाद अपना चेहरा ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। आपको अपने लिप्स पे भी अच्छे से स्क्रब कर लेना है। इससे आपके लिप्स सॉफ्ट हो जाएंगे। सो गाइस आप अपने चेहरे पे पूरे अच्छे से स्क्रब कर लीजिए। सो गाइस हम अपने सेकेंड स्टेप में फेस मॉइस्चराइज कर लेंगे। इसके लिए मैं यहाँ ले रही हूँ मलाई यानी कि मिल्क क्रीम। आपको ये खानी नहीं है, आपको इसे अपने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लेना है। दोस्तों मैं यहाँ फ्रेश मलाई ले रही हूँ। आप चाहे तो मार्केट में मिल्क क्रीम मिलती है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर जो फ्रेश होता है वो हमारे फेस के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। दोस्तों मलाई जो होती है वो हमारे फेस के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती है। ये हमारी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर देगी और दोस्तों ये हमारी स्किन को सॉफ्ट तो करेगी, साथ में हमारी स्किन की रंगत को भी निखारेगी, क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे प्रोटीन होते हैं जो हमारी स्किन को निखारने में मदद करते हैं। आपको ये अपने हाथों में भी अच्छे से लगा लेना है। इससे आपके हाथ भी काफ़ी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ इसे अपने हाथों में भी लगा लिया है। आपको 10 से 15 मिनट अपने चेहरे पर अच्छे से मसाज कर लेनी है और अपने होठों में भी अच्छे से इसे लगा लेना है। आपको ये लगाने के बाद अपना चेहरा वॉश नहीं करना है, आपको उसको लगा के ऐसे ही छोड़ देना है। तो आप इसे रात के समय अप्लाई करिए, इससे आपको ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो मैंने इसे अच्छे से लगा दिया है। अब मैं इसे लगा के ऐसे ही सो जाऊंगी, इससे आपके चेहरे पे काफी अच्छा फर्क पड़ेगा। सो गाइस आपको ये 2 स्टेप फॉलो कर लेने हैं और आप देखेंगे कि ये 2 स्टेप फॉलो करने के बाद आपको कैसे इंस्टेंट आपके चेहरे पे फर्क पड़ा है, आपकी स्किन पहले से कितनी ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, कितनी आपकी स्किन नरिश हो जाएगी। ये काफी ज्यादा फायदेमंद है आपके लिए। आप इसे 1 हफ्ते लगातार यूज कर लोगे तो आपकी स्किन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें जो मैंने बोरोलिन और शुगर का जो स्क्रब बनाया है वो काफी ज्यादा फायदेमंद है आपके लिए। इससे आपकी त्वचा के जो डेड स्किन है वो तो निकलेंगे ही निकलेंगे, साथ में आपकी स्किन को क्लियर करेगा, आपकी स्किन में निखार भी लाएगा, तो ये काफी ज्यादा फायदेमंद है। और अगर आप जाड़ों में कहीं पार्टी में तैयार होने के लिए जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि अगर आपकी स्किन ड्राई होती है तो कोई भी मेकअप आपकी स्किन पे सूट नहीं करता, वो आपकी स्किन को और ज्यादा काला कर देता है कोई भी आप फाउंडेशन अप्लाई करोगे। अगर आप पार्टी में जा रहे हो तो पार्टी में जाने से पहले आप ये 2 स्टेप फॉलो करिए और आप देखेंगे कि आपकी स्किन में मेकअप जो है वो कितना अच्छे तरह एब्जॉर्ब हो रहा है, आपकी स्किन काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। दोस्तों तो आप ये स्टेप फॉलो करना नहीं भूलिएगा और आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। तो मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।